शनिवार का लॉकडाउन खुलते ही नई फिल्मों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। अब पीवीआर, सिनेपोलिक्स, फन रिपब्लिक, आईनॉक्स के अलावा लालबाग का नोवेल्टी सिनेमा भी 19 से दर्शकों से गुलजार होगा। इस त्योहारी सीजन पर लोग परिवार के साथ मनोरंजन कर सकेंगे और बेल बॉटम लॉकडाउन के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। जश्न आज़ादी ट्रस्ट और खुशी फाउंडेशन के सहयोग से बृहस्पतिवार को खुशी क्लिनिक एंड वेलनेस सेंटर इंदिरा नगर में फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन डॉक्टर अर्जुन द्विवेदी ने किया, जिन्होंने जश्न आज़ादी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन प्रत्येक लोगों को करना चाहिए। इस मौके पर करीब 300 लोगों ने प्रशिक्षित चिकित्सकों से अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। इसी दौरान चिकित्सकों ने लोगों को स्वस्थ रहने की जरूरी टिप्स भी दिए। रामनगर ब्लॉक कार्यालय के सामने हाईवे किनारे हुए विस्फोट कांड में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर कोतवाल को हटा दिया गया है। बुधवार को हुए विस्फोट में बकरी चराने वाले दो बच्चे पारस और निर्मल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी जिला अस्पताल में हालत स्थिर बनी हुई है। देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।